हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पेरिदोकिन। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आपने लास्ट वीडियो में देख लिया होगा, मैंने एक क्लिपर मंगाया था जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग की थी। और अभी जो है मैं इसकी अपनी जो मेरे पास गोरी है, छोटी फीमेल, इसकी मैं ट्रिमिंग कर रहा हूँ, ग्रूमिंग कर रहा हूँ, आप देख ही रहे होंगे वीडियो में। और बात करता हूँ जो मशीन की, मशीन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट चल रही है, इजीली वर्क कर रही है। और इसको चलाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। आपको करना क्या है कि आपको सिर से पूंछ की पिछले पैरों की तरफ आना है। जैसा कि अभी आप वीडियो में देख ही रहे होंगे, मैं इसके सिर से लेके पीछे की ओर, बैक साइड की ओर आ रहा हूँ। इससे क्या होगा, मशीन इजीली चलेगी और आपका जो ब्लेड है इजीली काम करेगा, जल्दी से ख़राब भी नहीं होगा और बाल भी आपके रोक के जो होंगे इजीली कट जाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस लिया है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप अपने डॉग के जो बाल होंगे आप फिर सिर की तरफ से लेके आना, जैसे मैं भी वीडियो में चल रहा है, सेम इसी पोजीशन में आपको बाल काटने हैं। अगर आप इस पोजीशन में बाल काटेंगे तो बाल इजीली कट जाएंगे और ब्लेड भी आपका ख़राब नहीं होगा और जल्दी से भी कट जाएंगे बाल। इसमें आपको ज़्यादा कोई मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। और अगर आप उल्टी डायरेक्शन से लेंगे, पिछले पैरों से सिर की तरफ लेंगे, तो थोड़ा उसमें टाइम लग जाएगा और आपको ब्लेड डैमेज होने का भी चांसेस भी उसमें रहेंगे। तो इस जो चीज़ देखिए फ्रेंड्स, ये मुझको नहीं मालूम था कि भाई कैसे कटते हैं हेयर, ग्रूमिंग कैसे होती है। यही दिन मैंने कल की, उससे पहले भी मैंने अपने डॉग की ग्रूमिंग की है, इससे पहले भी। लेकिन एक छोटा सा देखिए, उस मशीन में जो मैंने पहले मंगाई थी, वो जो मशीन थी वो थोड़ा सस्ते रेट की थी, करीबन 1000-1200 के रेट की वो मशीन थी। लेकिन उसकी जो मैंने जब अपने डॉग से ग्रूमिंग करी, उसकी मैंने पिछले पैर से सिर की तरफ से की, यानी कि पिछले पैर से लेके सिर की तरफ को गया, तो उसने हद से मेरे 2 बार दो डॉग के ही बाल कट पाए। उसके बाद जो मेरे मशीन के जो ब्लेड थे वो ख़राब हो गए। अब वो मेरे पास पड़ी है, वो बेकार है, वो किसी काम की नहीं है। लेकिन अब जो मैंने मशीन मंगाई है, थोड़ी महंगी भी है क्वालिटी, लेकिन इसकी क्वालिटी की मैं की बात करूँ तो क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन मेन बात यह है कि इनकी कोई वारंटी गारंटी नहीं होती है दोस्तों, किसी भी मशीन की कोई गारंटी नहीं। डीलर ने मुझसे कहा था कि हम आपको जो मशीन देंगे सील पैक देंगे, लेकिन खुलने के बाद उसकी कोई गारंटी वारंटी भी नहीं होगी। और अगर आप इसको फ्लिपकार्ट से भी मंगाएंगे तो तब भी इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होगी। तो इसमें सिर्फ अपने रिक्स पे रहेगी, जो भी कुछ भी रहेगी, कि हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके से इसको यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने कल जैसे कि अब मशीन चलाई मैंने, ये तो मशीन बहुत ही सॉफ्ट चली, इजीली इसमें हेयर रिमूव किए, आप देख ही रहे होंगे वीडियो में कितना जल्दी मेरा काम हो गया। मेरा जो काम हुआ करीबन मेरा 10 से 15 मिनट में मेरा काम सारा का सारा ख़त्म हो गया था कल। मैंने 10 से 15 मिनट के अंदर अपनी इस छोटी बच्ची के बाल जो हैं सब के सब काट दिए थे। लेकिन हाँ, थोड़ा इसने परेशान किया क्योंकि फर्स्ट टाइम इसके साथ था, थोड़ा ये भी डर रही थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है। तो इसने काफ़ी मुझको भी परेशान किया, लेकिन हमने जैसे तैसे करके इसके बाल हेयर रिमूव कर दिए। और इसको भी कोई, इसमें देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके डॉग को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत की मतलब कि उसे किसी भी मतलब कटिंग का कोई इशू नहीं रहेगा, कहीं पे मतलब कि कहीं कट लग जाए ऐसा कोई इशू नहीं रहेगा। इस मशीन में सबसे बढ़िया काम यही है कि इसमें आप जैसे, अगर आप अनाड़ी हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप अपने डॉग के हेयर रिमूव कर रहे हैं, तो इसमें बेफिक्र हो जाइए कि उसको किसी प्रकार की कोई चोट लगेगी, तो उससे आप चिंता ना करें इस चीज़ की, कुछ भी कोई ऐसी बात नहीं है कि उसमें चोट ले, आप इजीली काट ले। हाँ थोड़ा आपको अजीब सा लगेगा, आप सोचेंगे कैसे काटने, काटने का मैंने तरीका आपको बता ही दिया है। आप सर से पैर की तरफ को लाना, पिछले पैर की तरफ को लाना मशीन को, तो उसमें जल्दी कटेंगे, उसमें आपका ब्लेड भी ख़राब नहीं होगा। और अगर आप जैसे अभी मैं दिखा, मेरा चल रहा है ये, थोड़ा मैं रोंग रोंग टाइप से कर रहा था, लेकिन फिर बाद में मैंने इसको सही किया। तो इसमें अगर अगर आप जैसे अभी मैं कर रहा हूँ पिछले पैर से आगे की तरफ आएंगे, तो इसमें थोड़ा चांस जो है बाल कम कटेंगे और ब्लेड के डैमेज होने का भी खतरा ज़्यादा रहेगा। तो आप सिर्फ सिर से पिछले पैर की तरफ की लेके आना, जब भी आप फर्स्ट टाइम होंगे आप करेंगे, तो आपकी मशीन भी सेफ रहेगी, आपका डॉग भी। और इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपके डॉग को किसी प्रकार की कटिंग का कोई खतरा रहेगा, तो उसमें कोई कट का कोई भी चिंता ना करें बिल्कुल भी कट की। और मशीन का प्राइस थोड़ा हाई है, तो इसमें आपको करना क्या है, आप जब भी मशीन को यूज़ करें उसको बीच बीच में ऑयल भी डालते रहें,
जैसे कि आपने अगर अगर हाफ का अपने डॉग पर हाफ काम कर लिया है तो 1 से 2 बूंद आप ड्रॉप उसमें मशीन में डाल दीजिए, मशीन के ब्लेड में, तो तब उसको वापस यूज़ कीजिएगा। और हाँ, इसको एक ही मशीन में ध्यान दीजिएगा कि इसके ब्लेड जमीन पर ना किसी ऐसी जगह पे ना टकराएं जिससे कि इसके ब्लेड के जो टीथ हैं वो डैमेज हो जाएं। तो ब्लेड के जो टीथ हैं उनका आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है कि वो किसी कहीं पर लग ना जाए या नीचे मशीन हाथ से ना गिर जाए। अगर वो हाथ से छूट के जैसे ही ब्लेड उसके ज़मीन पर टच होंगे तो ब्लेड जो होंगे उसके टीथ, ब्लेड के जो टीथ होंगे वो डैमेज हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, आपकी मशीन बेकार हो जाएगी, वो हेयर कटिंग नहीं कर पाएगी। तो आप देख ही रहे होंगे मैंने गोरी को कैसे हेयर रिमूव कर दिया। ये करीबन करीबन मेरा काम सारा हो ही गया है, बस थोड़ा सा रह गया इसके नीचे का। और मशीन काफ़ी अच्छी चल रही है, सॉफ्ट एकदम। और इसको, इस मशीन की खास बात और है, आप इस मशीन को बाय प्रोफेशनल भी यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप घर में ही अपने काटें, आप किसी और डॉग के भी कितने ही बार काट सकते हैं, चाहे वो 1 बार हो, 2 बार हो, 10 डॉग के, 15 डॉग के। लेकिन आपको सिर्फ मशीन चलाना आना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में मशीन चलाएं। मशीन की डायरेक्शन मैंने आपको बताई दी है, आप सर से पिछले पैर की तरफ को लेके आना मशीन को। तो इसमें क्या होगा, आपका ब्लेड ख़राब नहीं होगा और हेयर जो आजा इजीली कट भी जाएंगे और मशीन भी डैमेज नहीं होगी। इससे आप अगर आप इस टाइप में आप मशीन यूज़ करेंगे तो उसमें क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉग के मशीन हेयर जो है काट पाएंगे। आप प्रोफेशनल में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। कोई मेरा फ्रेंड अगर सोच रहा होगा कि हाँ मैं ग्रूमिंग का काम करना चाहता हूँ, क्योंकि जो ग्रूमिंग की बात करूँ, ग्रूमिंग का आजकल रेट चल रहा है, अब जैसे गर्मी का सीज़न आ जाएगा, 2 से 2,500 रुपये ग्रूमिंग वाले लेते हैं अपना ग्रूमिंग करने के लिए डॉग की। तो आप अगर इसे 1,000 से 1,500 रुपये भी मिलेंगे तब भी इसमें आपका बेनिफिट है। बेनिफिट कैसे, अगर ग्रूमिंग वाला 2,000 से 2,250 रुपया ले रहा है, आप 1,000 से 1,500 रुपये ले लीजिए तो उसमें भी आपका फ़ायदा है। अगर आप मेरे मुझे 5,000 रुपये के आसपास की अगर आपको मशीन पड़ रही है, आप अगर 1,000 से 1,500 रुपये भी ले रहे हैं, अगर आपके पास 2 से 3 दिन के अंदर अगर 5 डॉग भी आए तो आप तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे, कोई लॉस में नहीं रहेंगे। आप इसे, क्योंकि पैसा आप खर्च करेंगे, एक बार खर्च करना, लेकिन चीज़ अच्छी रखना। तो मैंने इसीलिए पहले देखे, मैंने 1,000 से 1,200 की मशीन लाया था, लेकिन मैंने 2 बार उसके डॉग को बाल रिमूव करे तो उसके बाद वो डेथ हो गई, मतलब डेथ है, किसी काम की नहीं रही। लेकिन अभी मैंने मशीन मंगाई, मशीन अच्छा से काम कर रही है। आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, मैंने फ्रेंड के रिकमेंड पे ले मशीन ली है मैंने, तो काम अच्छा कर रही है। अगर आप इसे प्रोफेशनली यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, आपको कोई ऐसा भी नहीं, क्योंकि अगर प्रोफेशनल की बात करो तो मशीन का जो रेट है 10-10 हज़ार रुपये तक की मशीन आती है, लेकिन वही काम सेम आपको 5,000 रुपये के समथिंग की रेट में मशीन में मिल रहा है। तो मैं तो कहूँगा कि आप यही मशीन लें और कम से कम खर्चे में आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए। तो मशीन काफ़ी अच्छी है कोडोस की, और वारंटी भी काफ़ी अच्छा है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हाँ फ्रेंड्स, जो मेरा कोई फ्रेंड्स न्यू सब्सक्राइबर है, प्लीज़ वो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिया कीजिए, कि जिससे कि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि ऐसा होता है कि मैं कोई वीडियो अगर डाल रहा हूँ तो आप तक नोटिफिकेशन ना गई और आप वो वीडियो ना देख पाए। और हाँ, अगर आपकी कोई भी क्यूरीज है, आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं किसी भी बारे में, डॉग के रिलेटेड अपनी कोई भी चीज़ है, तो आप मेरा नंबर कहीं ना कहीं कमेंट बॉक्स में आपको मिल ही जाएगा, आप मुझे वहाँ पर भी कमेंट कर लेना, और या मुझे कमेंट में कमेंट करके मेरा नंबर मुझसे कॉल कर सकते हैं, कभी भी किसी टाइम कर सकते हैं। मैं उसका जरूर, अगर मैं कॉलिंग पे हुआ तो मैं उसका जरूर आपको आंसर दूंगा, नहीं हुआ तो अगर मैं रिसीव आपकी कॉल रिसीव ना कर पाया तो मैं खुद आपको बैक कॉल करके आपको जवाब दूंगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़, लेकिन हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और हाँ फ्रेंड्स, आप मुझे लाइक शेयर ज़रूर करना वीडियो पर, क्योंकि मुझे पता लगता रहे आपके कुछ भी कमेंट है, आपको मेरे चीज़ों से अगर फ़ायदा हो रहा है तब भी आप मुझे कमेंट कीजिए, अगर नहीं, मेरी बताई चीज़ों से आपको नुकसान हो रहा है तब भी आप मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि मुझे खुद पता चलना चाहिए कि मेरी बताई हुई चीज़ें आप तक सही पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, तो वो चीज़ भी फ्रेंड्स ज़रूरी है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, इससे मुझे पता लगता रहेगा कि मैं कहाँ मैं स्टैंड कर रहा हूँ फिलहाल अभी। ठीक है फ्रेंड, वीडियो एंजॉय कीजिए।